खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसे लेकर कमलनाथ सरकार की आलोचना हो रही है। दावा यह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री इमरती देवी अपना भाषण तक नहीं पढ़ पाई। तो क्या यह सच है? हमने इसकी पड़ताल की है, आपको दिखाते हैं क्या सामने आया। बाबा साहब अम्बेडकर और गणतंत्र दिवस सम्मेलन के उस शक्ति हूँ कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। 19 सेकंड का ये वीडियो मध्य प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी का है। ग्वालियर में झंडा फहराने के बाद मंत्री जी स्टेज पर भाषण देने के लिए खड़ी हुई, लेकिन देखकर चार लाइन भी ठीक से पढ़ नहीं पाई। बाबा साहब अम्बेडकर और गणतंत्र दिवस सम्मेलन के उस शक्ति हूँ कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। मंत्री के इस वीडियो को लेकर लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ये है इमरती देवी, एमपी में कमलनाथ सरकार की मंत्री, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर लिखा हुआ भाषण भी पढ़ नहीं पाई। ऐसे महान लोगों को चुन चुन कर मंत्रालय दिया है राहुल गांधी ने। कोई लिख रहा है एमपी अजब है, कांग्रेस गजब है, तो कोई वीडियो के साथ लिख रहा है धन्य है अपना लोकतंत्र। लोग तरह तरह का कमेंट करके कांग्रेस और इमरती देवी को कोस रहे हैं, लेकिन देश में ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी मंत्री ने इस तरीके से माइक पर हाथ खड़े कर दिए हों। देश में ऐसे नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है। बिहार में जब जीतन राम मांझी सीएम बने थे तब उनकी कैबिनेट में बीमा भारती मंत्री बनी थी। जेडीयू की बीमा भारती तब ठीक से शपथ भी नहीं ले पाई थी। पढ़ाई के मामले में राबड़ी देवी का हाथ भी तंग रहा है। लालू के पहली बार जेल जाने के बाद सीधे किचन से निकालकर उन्हें बिहार की कमान दे दी गई थी। तब राबड़ी देवी बिल्कुल ही पढ़ नहीं पाती थी। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, आप बच्चे लोग टीवी खोल कर बैठता है तो वहाँ थोड़ा देर बच्चे के बीच में बैठ जाते हैं। हालांकि समय के साथ राबड़ी देवी ने खुद को तेजी से बदला और अब वो राजनीति में माहिर हो चुकी हैं। लेकिन एक और महिला नेता हैं जिन्हें राजस्थान की राबड़ी देवी कहा जाता है। इनका नाम है गोलमा देवी। 2008 में निर्दलीय विधायक बनने के बाद अशोक गहलोत सरकार में मंत्री बनी थी। मैं गोलमा देवी बोल रही हूँ। यानी देश की राजनीति में इमरती देवी कोई चौंकाने वाला चेहरा नहीं है। राजनीति में बिना पढ़े लिखे लोगों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार पढ़े लिखे लोग ही हैं। दर्शकों को बता दें कि 43 साल की इमरती देवी डाबरा सीट से कांग्रेस की विधायक हैं। चुनावी हलफनामे में इनकी योग्यता 12वीं पास की है, तब भी मैडम ठीक से भाषण नहीं पढ़ पा रही हैं। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो कहने लगी कि तबीयत ठीक नहीं थी। इमरती जी, आज आप भाषण पढ़ नहीं पाए, क्या तैयारियां नहीं थी या फिर दिक्कत थी? दो दिन से मेरी तबीयत खराब है, आप जाके बुलाती डॉक्टर से। मैडम तबीयत खराब की बात कह रही हैं, लेकिन जब पत्रकार ने पूछा कि आपने पढ़ने में गलती की तो मैडम ने मुस्कुराते हुए जो कहा वो मध्य प्रदेश के वोटरों को जरूर सुनना चाहिए। चार लाइन आपने पढ़ी, उसमें भी 8 गलतियां थी कम से कम। मंत्री मैडम का ये जवाब उन वोटरों को है जिन्होंने इन्हें जिताकर अपना रहनुमा बनाया है। वाकई में मध्य प्रदेश गजब ही है। गलती पर पछतावा नहीं बल्कि गुमान दिख रहा है। दिक्कत थी, दो दिन से हमारी तबीयत खराब है, आप जाके बुलाती डॉक्टर से। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।